हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये मेसी डस्ट पैंतीस डी आई। दोस्तों, इस ट्रैक्टर में होता ये है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके साथ में ये हाइड्रोलिक ट्रॉली लगा हुआ है। तो काफ़ी लोगों का हम पे कॉमेंट आया कि अब्दुल भाई, हमारे ट्रैक्टर में कभी कभी ट्रॉली को हम उठा लेते हैं और उसके बाद ट्रॉली डाउन नहीं होता है, यानी कि ट्रॉली नीचे की ओर गिरता नहीं है, तो उसकी ऐसी क्या वजह होती है? तो आज मेरे पास में ये जॉब आया है तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो देख सकते हैं, हमने इसका ये कनेक्शन लगाया हुआ है। तो अगर आपके साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप इसको कैसे शट आउट करोगे, कैसे पता लगाओगे कि आखिर इसमें ऐसी ख़राबी क्या होती है? तो मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका ट्रॉली किस तरह से अटक जाता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो मैंने ये ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और देख सकते हैं उस पर मैं एक बंदे को मैं खड़ा करता हूँ। तो हमने ये ट्रॉली को उठा लिया, देख सकते हैं ट्रॉली ने उठना शुरू कर दिया। ये ट्रॉली तो गया लेकिन अब ये डाउन नहीं होगा। देख सकते हैं, अभी हम इसका एक ही जैक निकाल के देखते हैं। देख सकते हैं ये पूरा। तो अभी मैंने इसको ये डाउन किया, देख सकते हैं ट्रॉली वहाँ पे अटक जाता है। देख सकते हैं आप, हमने ये लीवर को डाउन कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमने उठाया, ये पट्टी उठ गया, अब ये ट्रॉली उठने लगा। अब हमने इसको ये डाउन किया, देख सकते हैं ट्रॉली अपनी जगह पे अटक गया है। देख सकते हैं यहाँ पे। तो आखिर ऐसा होने की वजह क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो मैं पहले ट्रैक्टर को बंद कर लूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि आखिर इसमें वजह कैसे क्या है और इसको कैसे ठीक करते हैं। तो हमने ये ट्रैक्टर को बंद कर लिया है। तो अभी क्या करना है कि आपको ये वाला कनेक्शन यहाँ से खोलना है और यहाँ से थोड़ा ऑयल निकलेगा तो नीचे कोई बाल्टी या कढ़ाई रख लेना है। एक कॉटन लाओ तो और वो कढ़ाई ले लो। नीचे रखो, नीचे रख दो। हाँ, तो दोस्तों इस तरह से हमें ये वाला पाइप यहाँ से खोल लेना है और देखना है कि आखिर ये खराबी कहाँ पे है। ज़्यादातर ये मेल फीमेल में ही, उसको मेल फीमेल बोलते हैं ये दोनों को। तो अभी हमें क्या करना है, मेरे हिसाब से इसका ये जो गोली है ना वो ठीक से डपटा नहीं है, इसी की वजह से ये डाउन नहीं होता है, क्योंकि उठा तो लेता है लेकिन गिरता नहीं है ना। लाओ एक वॉशर लाओ। तो इस तरह से क्या करना है, आपको एक वॉशर लगाना है और ये लगाने के बाद डाउन होता है इसका मतलब या तो हमारा मेल या फीमेल दो में से कोई एक ख़राब है, लेकिन दोनों को ही बदल दोगे तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से हमें इसको लगा के इसको फिट कर लेना है ना। तो इसको फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका हाइड्रोलिक डाउन होता है या नहीं। तो इसको हमें अच्छे से कसना है, अगर ये लूज रहेगा ना तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से लोग इसको फुल टाइट नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं हमारा हाइड्रोलिक ट्रॉली डाउन नहीं हो रहा है। तो ये अगर लूज रहेगा तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो अभी मैंने इसको टाइट कर लिया। तो अब मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने इसको ये डाउन किया, देख सकते हैं अभी डाउन होना शुरू हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखा आपने इसमें वजह कितनी छोटी थी जिसके कारण इसका ट्रॉली डाउन नहीं हो रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने मेल फीमेल के बीच में एक वॉशर लगा लिया तो ये डाउन होना शुरू हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। तो अभी हम इसको एक मरतबा और उठा के देखते हैं। हमने ये उठाया, उठाने का कार्य बिल्कुल ठीक कर रहा था ना। तो
देख सकते हैं अभी ये ट्रॉली हमने उठा लिया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसको डाउन करता हूँ। तो हमने ये लीवर को डाउन किया, देख सकते हैं अभी बिल्कुल तेजी के साथ ये डाउन होने लगा है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि खराबी यहाँ पे है, ना तो इसके हाइड्रोलिक में ना तो ट्रॉली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो उसका मेल या फीमेल खराब है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों नया डाल देंगे, मेल फीमेल, और ये तो कम्प्लीट ठीक हो जाएगा। जैसे हमने वॉशर लगाया इसने काम करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह यहाँ पे है, ये चीज़ ख़राब है, या तो मेल ख़राब है या तो फीमेल। तो हम तो क्या करेंगे, इसका डोना पूरा का पूरा नया सेट डाल देंगे। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे किसान भाइयों में भी शेयर करें, ताकि उनको ये पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।